इस वीडियो में जानेंगे डाउनलोड प्रोसेस कैसे आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना प्लीज वीडियो को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं फाउंडेशन रूट से या डायरेक्ट एंट्री रूट से उनको आइडिया नहीं होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का दो तरीका है दोनों तरीका आपके साथ डिस्कस करने वाले ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा साथ में आप चाहो तो मोबाइल फोन से भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो दूसरा नहीं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी डाउनलोड कर सकते हो डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा और हाँ स्टूडेंट्स पी के रूप में आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे स्टार्टिंग के दो पेज को प्रिंट आउट निकलवाना है प्रिंट आउट आप लोग कलरफुल भी निकलवा सकते हो या ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हो यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर आपको सेव करना है तो पीडीएफ के रूप में सेव करना मोबाइल फोन में भी पीडीएफ के रूप में सेव करना इसके बाद क्या करना है साइबर कैफे में जाना है ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा साइबर कैफे में जाना है और बोलना है कि स्टार्टिंग के दो पेज को प्रिंट आउट निकाल दीजिए आप चाहो तो कलरफुल भी निकाल सकते हो या नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हो कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लोगे उसके बाद उसको लेकर के घर पे आ जाना है उस पर जब एग्जाम जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है हर दिन एक पेज में आपका डिटेल होगा दूसरे पेज में एग्जाम डेट और साथ में इनविजिलेटर सिग्नेचर का ऑप्शन होगा इनविजिलेटर से जरूर आप लोग लो सिग्नेचर ले लीजिएगा आई होप की आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा अब जान लेते हैं कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का क्या है प्रोसेस कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जाता है देखो बच्चों मैं जितना बोल रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा अभी आप लोगों का सीए एग्जाम मे जून ट्वेंटी फोर का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है लेकिन ये लाइव डेमो वीडियो अगर आपको इसको देख लोगे ना तो जिस दिन रिलीज होगा आप आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं देखो अगर आपको एस एस पी पोर्टल से लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो कोशिश ये करना है कि मोबाइल फोन से ही लॉग इन करके डाउनलोड कीजिएगा दूसरा तरीका है एसएसपी पोर्टल के ऊपर में ही आपको लिंक मिल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ लिख करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सब कुछ बताने वाले इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लास्ट में ये भी जान लेंगे कब तक आप लोगों का सीए का एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कार्ड तो मैंने क्या बोला आप लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल फोन से भी डाउनलोड कर सकते लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश यही करना है कि सबसे पहले एडमिट कार्ड अगर आप लोग एस पोर्टल पर लॉग करके चेक करने जाओगे ना मोबाइल फोन से तो आसानी से दिख जाएगा लेकिन वही लैपटॉप डेस्कटॉप से करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है एस पोर्टल वाला ऑप्शन शो कर रहा उस पर क्लिक करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख करके लॉग इन करना है जैसे ही आप लोग लॉग इन कर लोगे, ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा एस एस पी पोर्टल से लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो मोबाइल फोन से ही लॉग इन कीजिएगा एस एस पी पोर्टल पे मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि मोबाइल फोन से लॉग इन करोगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये बात बच्चे को नहीं पता होता वो लैपटॉप डेस्कटॉप से करने जाते थे स्टार्टिंग में शो नहीं करता रहता है यहाँ पे, पे सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म होगा आपको उस पे क्लिक करना है इंटरमीडिएट का स्टूडेंट इंटरमीडिएट फाइनल का तो फाइनल और फाउंडेशन का तो फाउंडेशन यहाँ पे एक्शन और आई बटन शो कर रहा होगा आपको तुरंत उस पर क्लिक करना है जैसे ही एक्शन और आई बटन शो कर रहा होगा उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा साइड में

लैपटॉप डेस्कटॉप से करने के लिए ऊपर में ही एस एस पी पोर्टल के ऊपर में जैसे कि यहाँ पे मे ट्वेंटी थ्री एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है उस लिंक पे इंटरमीडिएट एंड फाइनल का लिंक होगा फाउंडेशन का आ जाएगा तो ऊपर में ही फाउंडेशन लिखा आएगा यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ लिख दो अभी देखने जाओगे तो ऊपर में शायद सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का लिंक मिल जाएगा लेकिन अभी आया नहीं हुआ इसलिए जैसे ही आएगा तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल का सबसे पहले लिंक मिल जाएगा मे 24 इसके बाद फाउंडेशन का ही ऊपर में लिंक मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ लिख करके जैसे ही लॉग इन करोगे इसके बाद गाइडलाइन शो करेगा गाइडलाइन पे सब पे टिक कर देना है टिक करने के बाद आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन शो कर जाएगा एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा इसके बाद प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा मैंने दो तरीका बता दिया कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर अगर आपको लॉग इन करके डाउनलोड करना है तो मोबाइल फोन से ही लॉग इन करके डाउनलोड कीजिएगा और ऊपर में जो लिंक होता है ना 24 से 48 घंटे बाद लिंक करता। पहले एस एस पी पोर्टल यानी कि लॉग इन करके ही आपको डाउनलोड करना होगा उसके बाद 24 घंटा 10 घंटा 12 घंटे के बाद लिंक वाला एक्टिवेट होता है एडमिट कार्ड जो बच्चे ये सब चीज जान जाएंगे उनको डाउट नहीं आएगा जो बच्चे को पता ही नहीं होगा कि एडमिट कार्ड एस एस पी पोर्टल के अंदर से कैसे डाउनलोड करना और लिंक वाला कब एक्टिवेट होता है जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन बच्चे परेशान हो जाएंगे अब जो बच्चे ये वीडियो को देख लिए उनका सारा डाउट क्लियर हो गया तो बच्चों अभी आज के डेट में एडमिट कार्ड नहीं आया मई जून ट्वेंटी सीए एग्जाम का कब तक देखने को मिल सकता आप लोगों का एडमिट कार्ड तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे जिस दिन भी एडमिट कार्ड आएगा सेम प्रोसेस होगा डाउनलोड करने का ये वीडियो को सेव करके रख लो आगे चल करके काम आने वाला देखो बच्चों जनरली तौर पे आपके एग्जाम से 14 डेज पहले यानी कि सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का एडमिट कार्ड एक साथ देखने को मिल सकता है जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा उस दिन सेम प्रोसेस होगा जो मैंने बताया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का उसी प्रोसेस से आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे क्लियर लिखा हुआ है आपके एग्जाम से जनरली तौर पे 14 डेज पहले एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है और एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे कैसे करना ये भी प्रोसेस इस वीडियो के थ्रू हम लोग जान गए तो सबसे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें एक बार फिर से एडमिट कार्ड एक साथ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल वालों का देखने को मिलेगा और हाँ बहुत जल्द आप लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल मे 24 का एडमिट कार्ड आएगा तो उसको पीडीएफ में सेव करना और प्रिंट आउट निकलवा लेना है और हाँ बच्चों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे पूछ सकते हो ना कि टेंटेटिव डेट क्या है तो टेंटेटिव डेट है एडमिट कार्ड रिलीज होने का ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा 17 या 18 अप्रैल 2024 को आप लोगों का एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा मैंने डाउनलोड कैसे करना ये प्रोसेस बता दिया बच्चे लगातार डाउट पूछना स्टार्ट कर देते हैं उस दिन के कैसे डाउनलोड करना मैंने पहले ही वीडियो बना करके आप लोगों को बता दिया कि कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर इसके बाद सीए फाउंडेशन का एडमिट कार्ड में अभी थोड़ा सा समय है बच्चों लेकिन अगर आप लोग वीडियो देखे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा जिस दिन भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा पांच या छह जून 2024 को देखने को मिल सकता है सीए फाउंडेशन जून 24 का एडमिट कार्ड जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा चार्टेड स्टडीज सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट कर देगा डाउनलोड कैसे करना वीडियो को देख करके आपको तो अभी तक आइडिया लग गया होगा तो अब तो एडमिट कार्ड के बारे में भी सब कुछ पता चल गया कैसे क्या एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना तब तक आप लोग रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा चार्टे सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट करेगा तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में इतना ही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो और मन लगा के पढ़ते रहो एग्जाम बहुत ही नियर है आप लोगों का मे जून 24 का एग्जाम नियर है चार्टेड स्टडीज ने रिसेंटली लॉन्च किया है सी इंटरमीडिएट और सी फाउंडेशन का न्यू बैच जिसमें इनरोल करने का आखिरी डेट 20 अप्रैल 2024 है जल्द से जल्द इनरोल अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कैसे आप लोग चार्टेड स्टडीज के टेस्ट सीरीज में इनरोल करोगे बच्चों आप लोगों का एग्जाम सी इंटरमीडिएट एंड सी फाइनल वालों का बहुत ही नजदीक है आई होप कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे मन से पढ़ रहे होंगे लेकिन अभी तक आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो खुद का परफॉर्मेंस चेक नहीं कर पा रहे तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा लेकिन अभी तक आप लोग किसी और के भी टेस्ट सीरीज में एनरोल करके टेस्ट दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपका बच्चों अभी भी टाइम गया नहीं है आज के डेट में चार्टे स्टडीज ने न्यू बैच लॉन्च कर दिया है सीए इंटरमीडिएट टेस्ट सीरीज का कल के डेट में सीए फाउंडेशन का लॉन्च हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रोफेशनल बनाते हैं प्रोफेशनल ही चेक करते हैं दो दिन में आपका पेपर चेक होकर मिल जाएगा दो से तीन वर्किंग डेज साथ में 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 सारे बैच में, बिल्कुल फ्री में मिलता एम टीपी का दोनों बैच बिल्कुल फ्री में मिलता है इतना ही नहीं बच्चों जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज लेने के बाद सीए के एग्जाम में पास करते हैं सबके घर पे ट्रॉफी और मेडल जाता है और हम लोग फ्री में गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के लिए इनरोल करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है चार्टेड स्टडीज और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज पोर्टल शो करेगा तो आपको टेस्ट सीरीज पोर्टल पे आ जाना है ऊपर में आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन शो करेगा तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना यहां पे आपको अपना कोर्स को यहां पे सबसे पहले आप लोग सीए को सेलेक्ट करोगे इसके बाद कौन से लेवल सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल तो कल के दिन में सीए फाउंडेशन का दो बैच लॉन्च हुआ था सीए फाउंडेशन प्रो बैच जून 24 फोर जहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट होगा साथ में दो फुल पोर्सन टेस्ट होगा इसके अलावा एम बैच बिल्कुल फ्री में और सीए फाउंडेशन प्राइम बैच में मल्टी चैप्टर टेस्ट होगा लास्ट में दो फुल पोर्सन टेस्ट होगा इसमें भी दोनों एमटीपी बैच बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इनरोल करने के बाद ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन होगा आपने जो ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉग इन डिटेल बनाया होगा वो लॉग इन डिटेल लिख करके लॉग इन करना है पेपर वन एंड पेपर टू का दो से तीन दिन में पेपर चेक होकर मिल जाएगा पेपर नंबर थ्री एंड पेपर नंबर का विद इन अ आपके डैशबोर्ड पे रिजल्ट शो कर जाएगा तो देर नहीं करना करने का आखिरी डेट 20 अप्रैल 2024 है सीए इंटरमीडिएट के लिए आखिरी बैच विजय बैच लॉन्च कर दिया गया यहाँ पे विजय बैच में दो हाफ सिलेबस दो फुल सिलेबस इसके अलावा दोनों एमटीपी बिल्कुल फ्री में मिलेगा चाहे ग्रुप वन का बात किया जाए या ग्रुप टू का बात किया जाए और अभी इसमें डिस्काउंट है आप लोगों को चाहे सीए फाउंडेशन का टेस्ट सीरीज एनरोल कर रहे हो या सीए इंटरमीडिएट का वेलकम कूपन कोड यूज करना है देखो बच्चों जो हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं उसमें फ्री में गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा दोनों एम बैच भी मिलता है इसके अलावा बच्चों की हम लोग आपको जैसे ही एग्जाम में पास करते हो ट्रॉफी और मेडल भी प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा बच्चों सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं आजकल कर अगर आप किसी का भी गाइडेंस सेशन के लिए इन करोगे तो हजार रुपया चार्ज कर लेगा गाइडेंस कौन करते हैं या तो सीए इंटरमीडिएट .E. के रैंकर करेंगे इंटरमीडिएट वाले का गाइडेंस या नहीं तो प्रोफेशनल सीए .E. लोग गाइड करेंगे विजय बैच सीए इंटरमीडिएट .E. का कोई एक ग्रुप इलेवन हंड्रेड फिफ्टी में मिल जाएगा बच्चों देर नहीं करना है जल्द से जल्द इनरोल कीजिए अब अभ, अभी नहीं टेस्ट दोगे तो कब टेस्ट दोगे सच बताओ तो और आपके समय के हिसाब से सही टेस्ट आपको दिया जा रहा है बच्चों आपको हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टीम से बातें कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हाँ बच्चों यही समय है है यही समय है आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए तो मेहनत कंटिन्यू रखना है बच्चों ये नहीं सोचना है कल करेंगे डेली मेहनत करना है बच्चों ये आखिरी का कुछ दिन ही आपका मे 24 का एग्जाम डिसाइड करने वाला है तो आखिरी का दिन बर्बाद नहीं करना है बच्चों पढ़ाई कंटिन्यू रखना है साथ में टेस्ट देना है खुद से भी टेस्ट दे सकते हो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आज मेहनत कर लोगे ना बच्चों तो मे 24 का जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको सुकून मिलेगा कि मैंने अपना मेहनत सही किया तो मेहनत कंटिन्यू करना हार्ड वर्क तो करना ही करना है साथ में स्मार्ट वर्क